डियर शाइनिंग स्टार्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में। अब आपको आ की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना व लिखना आ गया है। सीख लिया है ना आपने दो अक्षर वाले शब्दों को, आ की मात्रा वाले। आज हम करेंगे तीन अक्षर वाले आ की मात्रा के शब्द। आज मैम आपको पेज नंबर 20 इन योर हिंदी वर्कबुक 4 में तीन अक्षर वाले आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना व लिखना सिखाएंगे। सी एट द बोर्ड नाउ। देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द दिया हुआ है और इसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आपकी बुक में ब, और ब को जब हमने आ की मात्रा लगा दिया ना आयशा अविताज, ये क्या बन गया? बा। बा। जब हम इसमें अक्षर लिख देंगे ल, तो ये क्या बन गया? बोलिए अभिनी। बाल। यस। और इसी के साथ जब हमने इसमें क लिखा तो क्या बन गया? ज्वाइन कीजिए अब इसको, बालक। यस। क्या बन गया ये? बालक। यस। आ की मात्रा के तीन अक्षर वाले शब्द सिखा रहे हैं मैम आज आपको। और ये देखिए आपने सबसे पहले कौन सा शब्द बनाया? बालक। क्या बनाया आपने? बालक। बालक। देखिए अगला शब्द क्या दिया हुआ है आपकी बुक में मंता। जब हम प में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पा। पा। और बोला कीजिए सभी, बोलते नहीं है आप, सब देख रहे हैं मैम। बोलेंगे तभी सीखेंगे, बोलने से ही आपको रीडिंग आएगी। ओके। तो सभी बोला कीजिए। महीम देखिए जब हम पा में य को लिखेंगे, य अक्षर लिख देंगे, तो ये क्या बन गया? पाई। यस। और इसी में देखिए अब मैम ने जोड़ दिया ल, क्या बन गया? पायल। यस, वेरी गुड विहान, बिल्कुल सही जवाब। क्या बना? पायल। पायल। आप बोलेंगे तभी सीखेंगे, उसके लिए बोलना जरूरी है। पायल। क्या बन गया बच्चों? पायल। पायल। देखिए अगला शब्द द, द में आ की मात्रा क्या बन गया? बोलिए यश, यशवीन। दा। युगम जब हम इसमें न लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दान। यस। और जैसे ही हमने इसमें व जोड़ दिया वेदांश, तो बनाइए क्या बन गया पूरा शब्द, बोलिए वेदांश। दानव। दानव, वेरी गुड, दानव। इसी तरह से देखिए हम शब्दों को बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमने लिख दिया ज, उसके बाद हमने लिखा अक्षर ह, में हमने लगाई आ की मात्रा नियंता, तो ये क्या बना? जहा। हाँ, यहाँ की आवाज क्यों आ रही है? नहीं आएगी जहा, ऊपर बिंदु नहीं है ना, ज। अब बनाइए क्या शब्द बना, बनाइए जहाज। जहाज। क्या बन गया? जहाज। 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 सभी बोला भी कीजिए। ओके। गुड बेबीज हो ना आप, मैम की बात मानते हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। देखिए अब अगला शब्द बनाएंगे हम स, स में लगाई हमने आ की मात्रा, क्या बन गया? सा। दाविक, सा। अब देखिए जब हम इसमें म लिख देंगे रुद्रांश, क्या बन गया? मां। सामा। यस। गौरांश इसमें न लिखा, तो अब इसको पूरा जॉइन करके बनाइए, कौन सा शब्द बनाया आपने? सामान। यस, बिल्कुल सही, सामान। मार्केट से लाते हैं ना चीजें, उनको बोलते हैं सामान, चीजों को क्या बोलते हैं? सामान। देखिए अगला शब्द आपकी बुक में, जैसे ही हमने लिखा ब, ब को लगा दिया की मात्रा बा,
उसके बाद हमने इसमें ज्वाइन किया द, द में आ की मात्रा बोलिए बादा। यस, और इसमें हमने एक अक्षर और लिख दिया म, तो ज्वाइन कीजिए कौन सा शब्द बन गया बादाम। बादाम सिद्धम बोल रहा है, वेरी गुड। क्या बन गया सिद्धम? बादाम 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 खाते हैं सभी, सबको पसंद होते हैं ना? यस मैम, सभी खाएंगे, अच्छे होते हैं। यस मैम। देखिए मूव ऑन नेक्स्ट, अगला शब्द क्या है, कौन सा बनाएंगे हम? देखिए ब, ब को आकी क्या बन गया बा, बोलिए बा। देखिए नेक्स्ट प्रियांश, बोलिए आप भी महीम, ये क्या बन गया ज को आकी मात्रा लगाई तो, बोलिए बाजा। यस बाजा, और जब हम इसमें र जोड़ देंगे तो देखिए तीन अक्षर वाला कौन सा आकी मात्रा का शब्द बना? बाजार। यस बाजार, क्या बन गया बाजार। बहुत अच्छे से आता है आपको तो, आप तो बड़ी जल्दी सीख गए हो बाजार। कौन सा शब्द बनाया हमने? बाजार। लास्ट देखिए आपकी बुक में कौन सा शब्द दिया हुआ है, अ में लगाई हमने आ की मात्रा, क्या बन गया आ, आ, आ। उसी में हमने लिखा अक्षर द, द आठ आ द र, क्या बन गया आदर। आदर, वेरी गुड। अब तो बड़ी जल्दी बना लेते हो आप आदर। क्या होता है आदर? रिस्पेक्ट, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट, हमें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और क्या बताते हैं मैम? करनी चाहिए ना, दादू दादी की, मम्मा पापा की हर बात माननी चाहिए, काम करवाना चाहिए, दादू दादी के छोटे छोटे सभी काम करवाने चाहिए। आप गुड बेबीज हो ना, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए बड़ों की, ओके? उसको क्या बोलते हैं? आदर। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक बार इसकी क्विक रीडिंग करेंगे कि आज हमने कौन कौन से शब्द बनाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहला शब्द रीड कीजिए, बालक। बालक, मूव ऑन नेक्स्ट, पायल। पायल, देन दानव। दानव, नेक्स्ट जहाज। जहाज, देखिए अगला शब्द सामान। सामान, मूव ऑन नेक्स्ट, बादाम। बादाम, बाजार। बाजार, आदर। आदर, सो नाउ डू पेज नंबर 20, और बिल्कुल राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, सुंदर सुंदर लिखना है, लाइंस से बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। अब आप टू लाइंस वाली बुक पे लिख रहे हैं ना, तो ध्यान रखना है, पहले आप फाइव लाइंस पे लिख रहे थे, तो अब आप टू लाइंस पे लिख रहे हो, प्रॉपर लाइंस में, सेकेंड लाइन से बाहर नहीं निकालना है, ओके? नाउ डू योर होमवर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर होमवर्क। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।